कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। समाजवादी मूल्य कहता है कि आप किसी के हितों का संरक्षण करें तो जो सबसे आखिरी पायदान पर बैठा है उसको अगर उठाकर आप बराबरी पर न खड़ा कर पाए तो फिर किस बात का समाजवाद। हम जैसे लोग जो आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चराना छोड़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच पाए, तो ये तब मुमकिन हो पाया जब इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वगरना कितने यहां रोज फना होते रहते हैं। आज हमें उस शहीदी धरती से खड़े होकर इस मुल्क की विरासत को याद करने का मौका मिला है। रामप्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं तो बिस्मिल अजीम आबादी का वो शेर याद आता है, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और आज शहीदों की उस क्रांतिकारी जमीन पर खड़े होकर हमें ऐसे वक्त में संविधान और जाति जनगणना की बात करनी है जब अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, भारत की जंगे आजादी के खिलाफ खड़े रहने वाले लोग सरकार में बैठे हों और इस मुल्क के हाशिए पर पड़े लोगों का हक अधिकार छीन लेना चाहते हों। वो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे और हमारे पुरखे अंग्रेजों से आंख में आंख डाल करके भगत सिंह बनकर के शहीद होते रहे, रोशन लाल बन के शहीद होते रहे, रामप्रसाद बिस्मिल बन के शहीद होते रहे। इसलिए आज साथियों, चूंकि ये एक प्रशिक्षण शिविर है, इस प्रशिक्षण शिविर को मैं एक ऐसी श्रृंखला के रूप में देखता हूं, वो चेन जो होती है ना, एक एक बेड़ियां जोड़ करके बनाई जाती है, उसकी अगर एक कड़ी भी कमजोर हो जाए तो चेन वहीं से टूट जाती है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रशिक्षण शिविर उस श्रृंखला की तरह है कि आखिरी पायदान पर खड़ा उसका सिपाही और उसके सबसे बड़े पायदान पर खड़ा उसका नेता। अब कल्पना करिए कि आपके पास तो एक ऐसा बहुआयामी प्रगतिशील आधुनिकता की सोच से लैस एक ऐसे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला हुआ है जिसने इस देश में समाजवाद और आधुनिक भारत की संकल्पना में काम किया, तो आपको जमीन पर रख करके उनके विचारों को लड़ना है। तो आज के इस प्रशिक्षण शिविर में जब मुझे मौका मिला कि आप जाति जनगणना विषय जो कि इस प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय है, लोक जागरण अभियान, और मैं बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी को और समाजवादी साथियों, जब वक्त बुरा आता है तो वो इसलिए आता है कि वो ताकतवर लोगों की ताकत का इम्तिहान ले सके कि इस बुरे वक्त से कौन लड़ रहा था। आज अगर आप लड़ेंगे तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा कि समाजवादी लोगों ने उस वक्त भी लड़ाई लड़ी। तो वो लड़ाई लड़ने के कई टूल हो सकते हैं, और पार्टी ने अगर ये फैसला लिया है कि जाति जनगणना के विषय को अपना केंद्रीय विषय बनाएगी, इस देश में हाशिए पर पड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाएगी, उनके हक अधिकार की बात करेगी, तो उसका सबसे केंद्रीय विषय है जाति जनगणना का। कल्पना करिए साथियों, एक देश का मतलब क्या होता है। किसी भूगोल पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है। देश बनता है तो वहां के नागरिकों से बनता है, वहां के जिंदा लोगों से बनता है। और जब यह मुल्क आजाद हुआ और जब जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन इस देश ने हजारों साल की अपनी बेड़ियों को तोड़ा, चाहे वो इस देश के विरासत में तथागत बुद्ध से लेकर कबीर रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद हो, महात्मा फूले हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, शहीद आजम भगत सिंह हो, इन सब ने जो ख्वाब देखा वो भारत के संविधान में पिरोया गया कि अब एक नया भारत बनेगा तो वो नागरिकों का भारत बनेगा। अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा, और हर जनता को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा
कि अगर मुझे मेरे हित और देश के हित में से चुनना होगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, और अगर मेरे समाज के हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि हजारों साल से इसी देश में मेरे समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और मानवीय सम्मान से वंचित रखा गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने जब नारा दिया कि सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ, तो समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया से किसी ने पूछा कि आपको सबको लेकर चलने की बात करनी चाहिए, आप तो कह रहे हैं पिछड़ा पावे सौ में साठ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि देखो, समाजवाद का तकाजा यह कहता है सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, समाजवादी मूल्य कहता है कि आप किसी के हितों का संरक्षण करें तो जो सबसे आखिरी पायदान पर बैठा है उसको अगर उठाकर आप बराबरी पर न खड़ा कर पाए तो फिर किस बात का समाजवाद। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसकी जितनी भागीदारी है उसे वो भागीदारी मिलनी चाहिए। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं मंच पर खड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, हम जैसे लोग जो आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चराना छोड़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच पाए, तो ये तब मुमकिन हो पाया जब इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।